हल्द्वानी में ट्रेंचिंग ग्राउंड का कचरा लोगों के लिए सर दर्द बन चुका है। ऐसे में यहाँ के रहवासियों का कहना है कि गर्मियों में कूड़े के ढेर में लगी आग के धुएं से परेशानी हो रही है। वहीं अब बरसात में बदबू और मक्खी मच्छरों ने परेशान किया हुआ है। नगर निगम इस कदर लापरवाह है कि उसे हाईवे पर पसरा हुआ कूड़ा नजर नहीं आता। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम में केवल कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। इस संबंध में न्यायालय भी कई बार निगम को फटकार लगा चुका है, लेकिन प्रशासनिक अमले के अधिकारी केवल जांच और सेवा दुरुस्त करने का आश्वासन देकर निकल जाते हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये कमीशन खोरी चल रही है। गाड़ी पे हर गाड़ी में 500 रुपए देते हैं वो लोग, रोड पे डाल रहे हैं, बीमार हो रहे हैं लोग। यहाँ मगर यहाँ सरकार देख ही नहीं रही है। सरकार की क्वाज पूछ रहा है तभी सरकार नहीं देख रही है। देखिए कितनी मौतें स्टेंचिंग ग्राउंड से हो चुकी हैं, ये सारा रिकॉर्ड अगर आप चाहो ना तो यहाँ बस्ती में घूमोगे तो पता लग जाएगा। दूसरा, अभी 3 महीने पहले यहाँ कमिश्नर साहब आए थे, कुमाऊं कमिश्नर साहब, और नहीं ये स्वच्छ भारत नहीं है, ये तो बहुत गंदा भारत हो गया है। क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो है इसकी बदबू सूंघ सूंघ के मर रहे हैं। सर हम तो इसको भुगत रहे हैं, हम देख रहे हैं। ये देखिए हमारे बच्चे की तरफ नजर मारी, आप देखिए जरा इनकी हालत हुई है। इससे बड़ा भाई है उसकी इससे बुरी हालत हुई भी है। सर इसमें कोई भी अधिकारी आकर के इसका कोई देखभाल नहीं कर रहा है, सारी हवा हवाई बातें हो रही है। यहाँ दमे का मरीज इतना हो चुका है जिसका कोई ठीक नहीं है। छोटे छोटे बच्चे देखेंगे, ये पोजीशन है बच्चों की। मेरे घर में नहीं जिन्हें कितने वायरस है, परेशान हो गया कहते कहते। मेरी लड़की 14 साल तक टीबी के मरीज रही और खत्म हुए भी, काफी टाइम हो गया है।